हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के फायदा बताने जा रहा हूं, है ना। अभी पलाश के फूल काफी हमारे घरों के आसपास में देखने को मिल रहे हैं, जो जिनके घरों के आसपास में पलाश का जो पेड़ लगा होगा काफी सुनहरे इसके फूल दिखते हैं। तो मैंने पहले वाले वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो सफेद पलाश होते हैं इसके फूल का टेसू या इसका पारद गुटिका बना करके जब तक के मुख में रखा जाए व्यक्ति तब तक के अदृश्य रहता है। और ये आज भी संभव ऐसा नहीं है ना, बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो कि कहा जाए जंगल में जो संत महात्मा लोग तप वगैरह करते हैं, जो साधना करते हैं, हमने बहुत से संत महात्मा से मिले हैं, तो जो लोग पारद गुटिका बनाना सीख चुके हैं वो लोग इसका प्रयोग करके अदृश्य शक्ति पा सकते हैं। जब तक के मुख में धारण किए होते हैं, इसके प्रभाव रहते हैं गुटिका का, तब तक के अदृश्य रहते हैं। तो रहे अपनी जगह दृश्य जैसा भी हो, इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको तांत्रिक जानकारी चाहिए ये सफेद पलाश की और लाल पलाश की तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका तांत्रिक प्रयोग मैं आप लोगों को बता दूंगा किस प्रकार से तांत्रिक प्रयोग इसका होता है। वैसे बहुत से लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं जो कि तांत्रिक के मतलब आपको गलत इसका निष्कर्षण नहीं लेना है, स्वयं के लिए, स्वयं के भले के लिए आप जो तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं, कुछ फायदे इसका ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वैदिक काल में पलाश का जो ये हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं फूल पौधे, इसका उपयोग यज्ञ कर्मों के लिए किया जाता था और ये बहुत ही ज्यादा पवित्र कहा जाता है दोस्तों पौधा है, फूल है। इसके तना काम शक्ति को बढ़ाता है, इसके जड़ की छाल अर्श है, बवशीर है, अल्सर है, इसमें प्रयोग होता है। लाल और जो सफेद कलर की पलाश होता है ये तंत्र में बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। और हमारे घरों के आसपास में जो पलाश होता है ना वह दोस्तों बंधन कलर की होती है, जो कि न की बराबर इसका प्रयोग है। तंत्र में अगर आप प्रयोग करना चाहते तो लाल और सफेद कलर की पलाश होता है, इसका प्रयोग करके हाथी के समान बलवान बन सकते हैं। अगर किसी को बनवाना है बोल देना कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को चाहिए तो इसके बारे में मैं विस्तार से वीडियो बना करके बता दूंगा, तंत्र वाला वीडियो बताऊंगा, जिससे आपके शरीर में हाथी के समान बल आ जाएंगे, यवन बन जाएंगे, बुढ़ापे में भी यवन जैसा जोश आ जाते हैं, 18 साल की उम्र जैसे आपकी ताकत आ जाएंगे, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान सदृश हो जाते हैं। तो आइए इसके कुछ गुण धर्म को जान लेते हैं, प्राकृतिक उपचार को थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा ये भूख बढ़ाने का काम करते हैं। पलाश की ताजी जड़ का रस निकाल करके, है ना, निकाल करके इसका अर्क की 4 से 5 बूंद पान के पत्ते में रख करके खाने से भूख बढ़ती है, ठीक है, भूख बढ़ती है। घेंघा रोग में इसके जड़ को घिस करके कान के नीचे लेप करने से घेंघा रोग ठीक होते हैं। पेट के कीड़े मारना है, अक्सर छोटे बच्चे को पेट में कीड़े हो जाते हैं, बड़े बुजुर्गों को हो जाते हैं, तो ये जानकारी काम आने वाली है, नोट करके रखें ये जानकारियाँ। छोटे से पहले तो गुड़ खिला दें, गुड़ खिलाने के बाद क्या होता है सभी कीड़े एक ही जगह एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद पलाश के जो ये कहा जा सकते इस प्रकार के जो इसका बीज होता है ना, इसके बीज को पीस करके या बीज को अच्छी तरह से दांतों पर चबा करके खाएं, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी ले तो 2 बार प्रयोग करने दिन में सुबह और शाम, तो पेट के कीड़े एक ही दिन में मर करके बाहर निकल जाते हैं। इसके बीज खाने से थोड़ा सा एक सावधानी रखना है, चक्कर आने का भी खतरा रहता है, काफी नींद आता है दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा महिलाओं को भूल करके इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका जड़ का प्रयोग करने से गर्भपात हो जाते हैं, मधुमेह की बीमारी को यह ठीक करते हैं, अंडकोश के सूजन को दूर करते हैं। कई जगह इसे देख लीजिए दोस्तों, ढाक के नाम से जानते हैं, वीडियो को छोड़ करके मत जाइए। ये हाथी पांव को ठीक करता है, घाव को ठीक करता है, इसे ढाक के नाम से जाना जाता है। मिर्गी को भी ठीक करता है, इसके जड़ को पीस करके 4 से 5 बूंद नाक में टपका देने से मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाती है। तो यही थे कुछ इसके छोटे मोटे फायदे जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। एक और बात बता दूं, बिच्छू के काटने पर भी जो इसके बीज होते हैं ना इसे पीस करके दूध के साथ में पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू के जहर तत्काल उतर जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ छोटे से जानकारियां, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। अगर लाल और सफेद कलर की पलाश की जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको चाहिए या नहीं, मैं वीडियो बना करके फिर इसका तांत्रिक प्रयोग बता दूंगा, आयुर्वेदिक लाभ भी बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।